ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं शहर की सरकार किसकी बन रही है, किसकी बिगड़ रही है, यही हम पल पल की अपडेट बता रहे हैं। बिल्कुल, ये पल पल की अपडेट बता रहे हैं। इस वक्त इलेक्शन ब्रेकिंग आ रही है, सीधे रुख करते हैं आकांक्षा का। बिल्कुल, तो बड़ी खबर इस वक्त आपको सबसे पहले बता दें कि देखिए अभी क्या तस्वीर निकल कर आ रही है शहर की सरकार को लेकर। ये नगर निकाय चुनाव अपडेट इस वक्त सबसे पहले हम आपको पहुंचा देते हैं। नगर निकाय चुनाव में कमल खिलता हुआ दिखता नजर आ रहा है, यहाँ पर साइकिल पंचर होती हुई दिख रही है और हाथी की जो चाल है वो भी बहुत धीमी यहाँ पर नजर आ रही है। पिछली बार जैसे परिणाम भी यहाँ पर बीएसपी नहीं दोहरा पा रही है, आप समझ रहे हैं। यहाँ देखिए कमल की क्या सिचुएशन है, कितनी खूबसूरती के साथ ये कमल खिलता हुआ दिख रहा है, ये आपको तस्वीर जरूर बता रही होगी। 17 सीट है निगम, अगर हम देखें आमेर पद की तो 17 सीटों में से 16 पर बीजेपी का कब्जा नजर आ रहा है। महज एक सीट है जो बीएसपी के खाते में जाती हुई दिख रही है और शहर की सरकार को लेकर साइकिल तो पंचर हो गई है। यहाँ पर देखिए साइकिल रफ्तार नहीं भरती हुई दिखाई दे रही है। पिछली बार बीएसपी को कम से कम 2 सीट तो मिली थी, लेकिन इस बार बीएसपी सिर्फ 1 सीट पर सिमट कर रह गई है। बिल्कुल बिल्कुल, विशाल हमारे साथ बने हुए। विशाल, अब बीजेपी का कब्जा होता नजर आ रहा है, धीरे धीरे जो रुझान आ रहे हैं, अब बस अब वो नतीजों में देखते हैं कब तक तब्दील होते। देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर बीजेपी अब पूरी तरह से जो है उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव पर कब्जा करती हुई दिखाई पड़ रही है। और खास बात यह है कि जो पिछली बार के नतीजे थे उन नतीजों को अगर देखिए तो इन नतीजों में बहुत ज़्यादा फर्क दिखाई पड़ रहा है। बीजेपी सीधे तौर पर जो है रुझानों में अगर नतीजे बदलते हैं तो सीधे तौर पर कह सकते हैं कि ये अपने आप में उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत होगी। बसपा जरूर जो है आगरा से आगे चल रही है, लेकिन साइकिल पंचर होती हुई दिखाई पड़ रही है। समाजवादी पार्टी लगातार दावा कर रही थी, कुछ सीटें ऐसी थी जहाँ पर समाजवादी पार्टी कह रही थी कि वो जीतेगी, चाहे वो मेरठ की बात करें, कानपुर में दावा था, सहारनपुर में दावा था, लेकिन अब फिलहाल आपको बता दें कि बीजेपी जो है तमाम जगहों पर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। जो रुझान है ये अगर नतीजों में बदलते हैं तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं हुआ कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी पूरी तरह से क्लीन स्वीप करेगी और लगातार तस्वीरें अब सामने आ रही। हालांकि बसपा जो है एक सीट पर जरूर थोड़ा सा जो है आगे है और आगरा सीट पर अगर हम बात करें तो थोड़ा सा वहां पर फाइट जो है दिलचस्प चल रही है, लेकिन जब नतीजे आएंगे तब क्या कुछ होगा ये देखना होगा। लेकिन और लगातार ये जो बात कही भी जा रही है क्योंकि आगरा की सीट सुरक्षित सीट है और अगर यहां से बसपा जीतती है तो बसपा एक बार फिर से जो है अपना कैडर वोट बैंक पाने में कामयाब होती हुई दिखाई पड़ेगी और बीजेपी ये भली भांति जानती है, तो इसीलिए ये कह सकते हैं कि बीजेपी ने दम वहां पर ताकत लगाई। विशाल, अगर हम इस चुनाव को देखें, निकाय चुनाव में जिस तरह जो जंग देख रहे हैं, ये 2024 की तैयारियां देख रही है हर पार्टी, लेकिन अगर 2024 का जंग होती है, अगर बीएसपी एक भी मेयर बना लेती है तो फिर 2024 में क्या लड़ाई हम बीजेपी वर्सेस यहां पर बीएसपी की देखेंगे, क्योंकि पिछली बार बीएसपी के ज्यादा सांसद चुने थे, हालांकि एसपी और बीएसपी मिलकर लड़े थे। नहीं देखिए बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है कि अगर बसपा इस सीट से चुनाव जीती, क्योंकि देखिए सीट बहुत महत्वपूर्ण होता है, आगरा सुरक्षित सीट है, एसपी सिंह बघेल जैसे बड़े दिग्गज नेता जो हैं वहां से हैं, तो ऐसे में अगर आप वहां से सीट बसपा निकालती है तो जो दलित वोट बैंक है, जो ये उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक बड़ा वोट बैंक माना जाता है, बसपा जिस वोट बैंक के जरिए राजनीति करती रही है, ये वोट बैंक वापस बसपा की तरफ आता हुआ दिखाई पड़ेगा और ये खतरे की घंटी बीजेपी के लिए रही, क्योंकि बीजेपी ने इस वोट बैंक को अपने पाले में किया था। ओबीसी वोट बैंक के साथ साथ इस दलित वोट बैंक को भी बीजेपी ने अपने पास किया था और 2024 से पहले अगर इस तरह के समीकरण दिखाई पड़ते हैं और ये बसपा के पाले में यानी सीट जाती है तो सीधे तौर पर कह सकते हैं कि ये खतरा केवल और केवल भाजपा के लिए रहेगा और बीजेपी को ये सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा कि जो सुरक्षित सीटें हैं वहां पर दोबारा से मेहनत करनी पड़ेगी, दोबारा से जो है समीकरण बैठाने पड़ेंगे। बिल्कुल, आप बने रहिएगा। एक बार हम स्टूडियो का क्रम दिखाते हैं, जरा स्टूडियो कैमरे से आपको दिखाएंगे, आपको चीजें समझाते हैं। यहां पर दीपाली हमें समझाना होगा, जरा एक बार स्क्रीन पर आते तो ये स्टूडियो का क्रम समझिएगा। यहां हम दिखा रहे हैं सीएम योगी, अभी की स्थिति देखिए, पहले पायदान पर है, स्टूडियो का क्रम समझिएगा, सीएम योगी यहां खड़े हुए हैं, यानी मेयर की बात कर रहे हैं, अभी बीजेपी लीड कर रही है, लेकिन सेकंड नंबर पर आपको मायावती नजर आएंगे यहां पर दीपाली, क्योंकि सेकंड नंबर पर मायावती हैं, तो हाँ। ये भी आपको समझना होगा, मायावती दूसरे पायदान, ये हमारे स्टूडियो का क्रम से ही समझ जाएंगे कि निकाय के नतीजे क्या करें। अखिलेश यादव यहां दीपाली कहीं ना कहीं पिछड़ते नजर आ रहे हैं, ये देखते हैं अखिलेश यादव तीसरे पायदान पर है, निकाय के हिसाब से हम बात कर रहे हैं, मेयर पद की बात कर रहे हैं, क्योंकि बीएसपी का एक जगह खाता खुलता नजर आ रहा है, तो ये बड़ा दिलचस्प क्रम बना है हमारे स्टूडियो का। बिल्कुल लगता है पहले से ही ये पूरा जो
वैसे भी जी मीडिया लगातार हम ये दिखा रहे थे कि किस तरीके से बीजेपी ने प्रचार किया, इसलिए और जो हमारी ग्राउंड रिपोर्ट थी वो भी आपने देखा था कि लोगों का कि जो मन की बात आपने देखी थी वो भी कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष में होती नजर आ रही थी, बस अब ये नतीजों में तब्दील होना बाकी है। बिल्कुल, तो पहले पायदान पर सीएम योगी नजर आ रहे होंगे निकाय चुनाव में, क्योंकि आपको बता दें कि अभी भी 16 सीटों के साथ बीजेपी आ गया है।